गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, आज हम चैप्टर नंबर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। फ्रेंड्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन या क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप 9th स्टैंडर्ड में थोड़ा बहुत तो पढ़ के आए होंगे। चैप्टर नंबर 4 स्टार्ट करने से पहले आपको मैं थोड़ा सा 9th स्टैंडर्ड का कंसेप्ट समझाता हूँ कि क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आप पढ़ के आए हो 9th के अंदर, उसमें अकॉर्डिंग टू डिग्री पूरा क्लासिफिकेशन था पॉलिनोमियल का कि अगर डिग्री 1 होती है तो लीनियर पॉलिनोमियल, डिग्री 2 होती है तो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, एंड डिग्री 3 होता है तो उसको बोलते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। तो हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं बोल रहा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलना है तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म कौन सा होगा कि पी ऑफ एक्स इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वेर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। ये था क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। अगर इसको कंपेयर कर दें 0 के साथ तो हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म बोलो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। इसको कंपेयर करना है 0 के साथ तो ये हो जाएगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंडीशन क्या होनी चाहिए कि ए बी सी बिलोंग्स टू आर, आर डेट मीन्स रियल नंबर, एंड उसमें डिग्री 2 रहनी चाहिए आइदर और ए नॉट इक्वल टू 0। समझाता हूं, देखो अगर वैल्यू ए की वैल्यू 0 हो जाती है तो यहां पे क्या हो जाएगा बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 बचेगा, डेट मीन्स वो हो जाएगा क्वाड्रेटिक में से लीनियर पॉलिनोमियल। आपको तो यहां पे क्या चाहिए लीनियर इक्वेशन, तो आपको तो क्या चाहिए यहां पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन चाहिए। क्वाड्रेटिक इक्वेशन लाने के लिए कंपल्सरी ए की वैल्यू 0 के सिवा होनी चाहिए, एबीसी बिलोंग्स टू आर बट ए 0 के सिवा कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो ये हुआ क्वाड्रेटिक इक्वेशन का स्टैंडर्ड फॉर्म। अब इसके रिलेटेड हमारी फर्स्ट एक्सरसाइज है, चैप्टर एकदम इजी है, फर्स्ट एक्सरसाइज आपके लिए एकदम सिंपल होगी। उसमें खाली आपको सिंप्लीफिकेशन करना है और इसके बाद चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे सबसे पहले एक्सरसाइज फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले कुछ आपको मैं कंसेप्ट समझा देता हूँ कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं आपको बताना है बस। अगर ये समझ जाओगे तो चैप्टर नंबर फोर का एक्सरसाइज 1 आपके लिए एकदम इजी रहेगा। देखो सबसे पहले 3x स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2 इक्वल टू 0, क्या एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं आपको बताना है। देख लेते हैं, यहाँ पे a की वैल्यू 3, b की वैल्यू 5, c की वैल्यू माइनस 2, यानी गिवन इक्वेशन इज इन द फॉर्म ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एंड ए बी सी बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू 0। और यहाँ पे ए की वैल्यू हो गई 3, बी की वैल्यू हो गई 5 एंड सी की वैल्यू हो गई माइनस 2। ए की वैल्यू 3 है मतलब 0 नहीं है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, डिग्री 2 रहा। चलो यहाँ पे सेकेंड, 3x क्यूब माइनस 5x स्क्वायर प्लस 7x माइनस 4 इक्वल टू 0, क्या है क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, नहीं। क्यों, यहाँ पे डिग्री 3 होगी, डिग्री 3 होगी तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ओके, नेक्स्ट 5x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है सर, इसमें तो दो ही टर्म है, b की वैल्यू है ही नहीं। अरे b की वैल्यू ना हो तो चलता है, यहाँ पे a की वैल्यू 0 होनी नहीं चाहिए, c का वैल्यू नहीं होगा तो भी चलेगा, a का वैल्यू दिखना चाहिए, मतलब x स्क्वायर के आगे कुछ ना कुछ आपको दिखना चाहिए 0 के अलावा, x स्क्वायर वाला टर्म दिखना चाहिए तो वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। इसको ऐसा बोल सकते हैं ना 5x स्क्वायर प्लस 0x माइनस 3 इक्वल टू 0। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, 6x स्क्वायर इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है क्या, ऑब्वियसली है। मैंने बोला था बी और सी की वैल्यू 0 हो तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको सिर्फ ए की वैल्यू देखना है, तो ए की वैल्यू तो 6 है, यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, बी और सी 0 हो गया तो डिग्री 2 यहाँ पे फॉलो हुआ। नेक्स्ट 5x क्यूब माइनस 3x प्लस 4 इक्वल टू 0, तो यहाँ पे तो क्यूबिक है नहीं चलेगा। चलो और एक एग्जांपल लेते हैं, यहाँ पे 6x स्क्वायर माइनस 5x सॉरी माइनस 6x स्क्वायर प्लस 2 इक्वल टू 0, क्या ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। आपको फर्स्ट टाइम लगे हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि यहाँ पे ए का वैल्यू 6 है, बट आगे देखो सिंप्लीफाइड फॉर्म, देखो यार सिंप्लीफाइड फॉर्म आपको देखना पड़ेगा और इसके साथ कंपेयर करना पड़ेगा। देखो ये 6x स्क्वायर मैंने जानबूझ के यहाँ पे ट्विस्ट किया, यहाँ पे
कि 6x square कैंसल हो जाएगा यहाँ पे, भले नहीं x हो या कुछ भी हो, यहाँ पे कुछ फर्क नहीं पड़ता, यहाँ पे ये दोनों तो कैंसिल हो जाएगा। अब ये कैंसिल हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचा ही नहीं, सॉरी यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुआ ही नहीं, यहाँ पे a का वैल्यू जीरो हुआ तो यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्योंकि दोनों क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिख देंगे 2x = 0 बचा। तो यहाँ पे देखना पड़ेगा सिंप्लीफाइड फॉर्म, आपको देखना है कि सिंप्लीफाइड फॉर्म ये स्टैंडर्ड फॉर्म में होना चाहिए, जनरल फॉर्म में होना चाहिए, ax² + bx + c = 0, मतलब a जीरो होना नहीं चाहिए। a जीरो नहीं होगा तभी जाके डिग्री क्या मिलेगी, डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन विल बी 2, यानी डिग्री ऑफ गिवन पॉलीनोमियल होगा 2। तो ये हमारा इंट्रोडक्शन। अब स्टार्ट करते एक्सरसाइज 0.1। एक्सरसाइज 0.1 में आपको पहले बोल दूं, आपको कुछ क्वेश्चन दिया होगा तो क्वेश्चन को पहले क्या करना पड़ेगा, सिंप्लीफाई करना है। सिंप्लीफाई करने जैसे यहाँ पे किया, दो स्टेप को यहाँ पे एक सिंगल में किया, तो ऐसे कुछ बड़ा क्वेश्चन होगा उसको सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में आपको चेक करना है कि ये फॉर्म में है कि नहीं। अगर ये कंडीशन फॉलो हुई तो वो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अदरवाइज नहीं है। तो आप ये नोट्स लिख दो, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल, वो दोनों का डिफरेंस और कुछ एग्जांपल, ओके लिख दो इतना। ओके फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1 स्टार्ट करते हैं। इसमें लिखा है कि क्वेश्चन नंबर 1, दो क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको चेक करना है कि गिवन, मतलब जो यहाँ पे क्वेश्चन से वो आपको चेक करना है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है। एंड क्वेश्चन नंबर 2 में आपको कहूंगा स्टोरी टाइप क्वेश्चन दिया होगा और इसको रिप्रेजेंट करना है इक्वेशन के फॉर्म में। तो चलो स्टार्ट करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 चेक करना है। यहाँ पे क्वेश्चन पढ़ लेता हूँ, यहाँ पे चेक वेदर द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आपको चेक करना है। तो सबसे पहले मैं इसकी कंडीशन समझा दूं, कंडीशन क्या थी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, स्टैंडर्ड फॉर्म ax² + bx + c = 0 था, वेर a b c बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड a नॉट इक्वल टू 0, ये थी उसकी कंडीशन। ये कंडीशन आपको याद रखना है, इसके रिलेटेड यहाँ पे क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व होंगे। ओके चलो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले सिंप्लीफाई करना है आपको, यहाँ पे कुछ 7-8 क्वेश्चन जो भी दिए सबको सिंप्लीफाई करना है और लास्ट में कंपेयर करना है स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ। अगर a की वैल्यू 0 नहीं आई और एबीसी तीनों यहाँ पे मतलब बिलोंग टू रियल नंबर मिले तो यहाँ पे क्या बोल सकते हो, यहाँ पे कि गिवन इक्वेशन इज क्वाड्रेटिक, इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अगर नहीं आए तो नहीं है, सिंपल। यहाँ पे डिग्री 2 से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। चलो यहाँ पे स्टार्ट करते हैं, x + 1² = 2x - 3। सबसे पहले यहाँ पे a + b² आइडेंटिटी नंबर 1 लगेगा, जो आप 9th-8 स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हो। अब यहाँ पे x² + 2x कैसे करते हैं आइडेंटिटी 1, याद करो। यहाँ पे मैं लिख देता हूं, अगर समझ में आया तो आपको आइडेंटिटी नंबर 1 कौन सी थी, a + b² = a² + 2ab + b². चलो यहाँ पे a की जगह x होगा और b की जगह होगा y। तो यहाँ पे x² 2ab, 2 × x × 1 यानी 2 × x × 1 2x ही होगा, + b² यानी 1² 2 × x मल्टीप्लाई करो एंड 2 × 3 2x - 6। चलो यहाँ पे x² + 2x + 1 ये लेफ्ट साइड ले लो, -2x ये भी लेफ्ट साइड ले लो, +6 = 0। चलो 2x कैंसिल, x² 1 + 6 कितना बचा, 7 = 0। तो यहाँ पे x² + 0x + 7 = 0 भी बोल सकते हम यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या हुआ, a का वैल्यू 1, b का वैल्यू 0 और c का वैल्यू 7। a का वैल्यू 1 मिला मतलब 0 नहीं मिला, डेट मीन्स गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो यहाँ पे लिख सकते हैं, इट इज ऑफ द फॉर्म ax² + bx + c = 0 where a b c belongs to R, either or real number, belongs to real number। और यहां पे ऐसा लिख सकते हैं, a का वैल्यू 1 मिला, b का वैल्यू 0 मिला एंड c का वैल्यू मिला मुझे 7। सो a b c तो ये वैल्यूज आपको यहां पे मिली। सो
गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलो नेक्स्ट करते क्वेश्चन नंबर टू। इसमें तो सिंपली डायरेक्टली यहां पे मल्टीप्लाई करना है, यहां पे इसमें आइडेंटिटी कोई यूज नहीं होने वाली। एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू इंटू थ्री माइनस थ्री माइनस टू इंटू माइनस एक्स यानी टू एक्स। यहां पे ले लो लेफ्ट साइड एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स। यहां पे जब भी इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाते हो तो यहां पे टर्म्स की साइन चेंज हो जाती है। यहां पे माइनस सिक्स था तो प्लस सिक्स हो गया इक्वल टू जीरो। माइनस टू एक्स माइनस टू एक्स माइनस फोर एक्स हो जाएगा प्लस सिक्स इक्वल टू जीरो। कंपेयर करो स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, ए का वैल्यू वन बी का वैल्यू माइनस फोर सी का वैल्यू सिक्स, मतलब गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। लिख सकते हो इट इज ऑफ द फॉर्म ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, वेयर ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो। यहां पे स्पेशल लिख सकते हैं यार ए इक्वल टू वन, बी का वैल्यू बोलो माइनस फोर एंड सी का वैल्यू बोलो सिक्स, यार ए इज नॉट इक्वल टू जीरो। सो गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आपका एग्जाम में पूरा लिखना है, क्यू ई नहीं लिखना है, ये मेरा शॉर्ट फॉर्म है, आपको पूरा लिखना पड़ेगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके वीडियो पोस्ट करके दो क्वेश्चन कॉपी कर लो या तो खुद समझ के लिखने का ट्राई करो और बाकी के तीन चार क्वेश्चन आप खुद पहले सॉल्व करने का ट्राई करो, बाद में आगे का वीडियो कंटिन्यू करना है। ओके फ्रेंड्स यहाँ पे स्टार्ट कर रहे क्वेश्चन नंबर थ्री एंड फोर। इससे पहले मैं समझा दू कि यहाँ पे मैंने पूरा फॉर्मेट लिख रखा है, मतलब आगे जो क्वेश्चन वन टू मैं समझा था वही मैंने यहाँ पे लिखा है, मतलब मिटाया नहीं यहाँ पे। अब इसमें आपको समझाता हूँ कि अगर इसमें सिंप्लीफिकेशन करोगे और इसको कंपेयर करोगे स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ, अगर वहां पे ए की वैल्यू जीरो मिली तो यहाँ पे सिंपली लिख दोगे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म, और यहाँ पे अब ये सब लिखने की कोई जरूरत ही नहीं है। क्वेश्चन आएगा तब आपको समझ में आ जाएगा एग्जैक्टली क्या लिखना है, और यहाँ पे खाली लिख सकते ए इक्वल टू जीरो। सो गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, अगर होता है तो पूरा लिखना है यहाँ पे। चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे एक्स माइनस टू एक्स प्लस वन इक्वल टू एक्स माइनस वन एक्स प्लस थ्री। अब यहाँ पे देख सकते हो कि ये जो टर्म्स है यहाँ पे टर्म्स x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर होगा। मुझे तो देख के ही पता चल गया कि ये वाला जो क्वेश्चन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। क्यों? आप भी आगे थोड़ा सोचोगे स्टेप्स को तो पता चलेगा कि दोनों साइड एक्स स्क्वायर एक्स वाला टर्म कैंसिल हो जाएंगे, तो यहाँ पे जो इक्वेशन होगा वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। देखते चलो सोल्व करके एक्स माइनस टू एंड एक्स प्लस वन है, देखो इसको एक्स को एक्स के साथ मल्टीप्लाई करना होगा और वन के साथ भी, तो क्या होगा यहाँ पे बोलते जाओ यहाँ पे एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वन एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू एक्स माइनस टू इंटू वन माइनस टू। एक्स को मल्टीप्लाई करना है एक्स के साथ एक्स स्क्वायर एक्स इंटू थ्री थ्री एक्स वन इंटू एक्स माइनस एक्स एंड वन इंटू थ्री माइनस थ्री। एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड आएगा तो कैंसिल हो जाएगा एक्स माइनस टू एक्स माइनस एक्स माइनस टू थ्री एक्स माइनस एक्स टू एक्स माइनस सब टर्म्स लेफ्ट साइड ले आओ एक्स माइनस टू प्लस सॉरी माइनस टू एक्स यानी यहां पे आएगा प्लस थ्री इक्वल टू जीरो। एक्स माइनस टू एक्स सो माइनस थ्री एक्स माइनस टू प्लस थ्री प्लस वन इक्वल टू जीरो। तो यहां पे देख सकते हो यहां पे एक्स का वाला कोई टर्म ही नहीं मिला, डेट मीन्स ये जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। तो क्या लिख सकते हो यहां पे इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म दिस। अब ये सब पूरा लिखने की कोई जरूरत नहीं है, खाली लिख दोगे यहां पे क्या हियर ए इज इक्वल टू जीरो। सो गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, खत्म। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर फोर। इसके जैसा ही क्वेश्चन हुआ यहाँ पे, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन करना इसको इसके साथ और यहाँ पे इसके साथ। एक्स इंटू टू एक्स टू एक्स स्क्वायर एक्स इंटू वन एक्स थ्री इंटू टू एक्स माइनस सिक्स एक्स थ्री इंटू वन माइनस थ्री एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर एक्स इंटू फाइव फाइव एक्स। सब टर्म्स को लेफ्ट साइड ले आओ टू एक्स स्क्वायर एक्स माइनस सिक्स एक्स तो माइनस फाइव एक्स होगा, ये लेफ्ट साइड तो माइनस फाइव एक्स माइनस थ्री इक्वल टू जीरो।
सब टर्म्स आ गए, देख लेना एक बार। एक्स स्क्वायर वाला टर्म बाकी रहेगा यहाँ पे, एक्स स्क्वायर को बाजू में लिख देते हैं यहाँ पे, माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स माइनस सिक्स एक्स माइनस फाइव एक्स, ये फाइव एक्स लेफ्ट साइड आएगा, माइनस फाइव एक्स और माइनस थ्री बाकी था, माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। सो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस फाइव एक्स माइनस फाइव एक्स माइनस टेन एक्स एंड माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो देख सकते हो ये तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, यहाँ पे इट इज ऑफ द फॉर्म दिस। सो एंड एबीसी बिलोंग्स टू आर एंड ए नॉट इक्वल टू जीरो, हियर ए इक्वल टू वन, बी इक्वल टू माइनस टेन एंड सी इक्वल टू माइनस थ्री। सो गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लिख दो वीडियो पॉज करके। ओके फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर फाइव एंड सिक्स देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव रिपीटिव आपके लिए, तो आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हैं यहाँ पे। चलो टू एक्स इंटू एक्स एंड टू एक्स इंटू माइनस थ्री करोगे, टू एक्स इंटू एक्स किया तो टू एक्स स्क्वायर हुआ, टू एक्स इंटू थ्री किया तो माइनस सिक्स एक्स आया, वन इंटू एक्स माइनस एक्स, वन इंटू माइनस थ्री प्लस थ्री। आर एच एस आप खुद कर सकते हो मेरे साथ ही, एक्स इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, एक्स इंटू वन माइनस एक्स, फाइव इंटू एक्स प्लस फाइव एक्स एंड फाइव इंटू माइनस वन माइनस फाइव। आरएचएस वाले सब टर्म्स को ले आऊंगा मैं लेफ्ट साइड। सो टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस सिक्स एक्स माइनस एक्स क्या होगा, माइनस सेवन एक्स होगा। और यहां पे एक्स माइनस सॉरी माइनस एक्स प्लस फाइव एक्स तो प्लस फोर एक्स होगा, लेफ्ट साइड आएगा तो माइनस फोर एक्स हो जाएगा, ये है थ्री और ये लेफ्ट साइड आएगा तो प्लस फाइव हो जाएगा। टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर हुआ माइनस सेवन माइनस फोर माइनस इलेवन एक्स होगा एंड थ्री एंड फाइव कितना हो गया प्लस एट इक्वल टू जीरो। सो इट इज ऑफ द फॉर्म दिस, मतलब ए एक्स प्लस बी एक्स प्लस सी टू एट इक्वल टू जीरो, स्टैंडर्ड फॉर्म में है। ए बी सी बिलोंग्स टू आर है, ए नॉट इक्वल टू जीरो है। देखो ए का वैल्यू वन, बी का वैल्यू माइनस इलेवन, सी का वैल्यू एट, और इसमें ए नॉट इक्वल टू जीरो आया। एबीसी बिलोंग्स टू आर है, डिग्री टू है गिवन इक्वेशन की। सो गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स, लेफ्ट साइड तो सॉल्व करके दिए, आरएचएस को सिंप्लीफाई करना है, ये तो सिंप्लीफाइड है यहां पर। चलो एक्स स्क्वायर कॉपी करोगे थ्री एक्स प्लस वन, ये क्या हुआ आइडेंटिटी लगेगी, कौन सी आइडेंटिटी, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है बोलो, ए स्क्वायर माइनस टू ए बी प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस टू ए बी, टू इंटू एक्स इंटू टू यानी माइनस फोर एक्स प्लस टू का स्क्वायर कितना हुआ फोर, एक्स स्क्वायर लेफ्ट साइड आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, ये थ्री एक्स फोर एक्स लेफ्ट साइड आएगा प्लस फोर एक्स, वन माइनस फोर इक्वल टू जीरो, थ्री एक्स प्लस फोर एक्स सेवन एक्स एंड वन माइनस फोर माइनस थ्री इक्वल टू जीरो। तो आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे ए का वैल्यू मिला ही नहीं मुझे, तो ए का वैल्यू नहीं मिला डेट मीन्स क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। सो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो, हियर ए इक्वल टू जीरो। सो गिवन इक्वेशन इज नॉट अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये क्या हो जाएगा लिनियर इक्वेशन हो जाएगा। देखो डिग्री वन है ना, इसलिए अगर डिग्री थ्री हो जाता तो क्यूबिक बोल सकते हैं, यहाँ पे डिग्री टू है तो क्या बोलोगे आप क्वाड्रेटिक, हमारा चैप्टर है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, मतलब आपको डिग्री टू तक रहना है, यहाँ पे लिख दो। ओके फ्रेंड्स, दो क्वेश्चन लास्ट में बचे, क्वेश्चन नंबर सेवन एंड क्वेश्चन नंबर एट, ये थोड़े से आगे के कंपेयर में टफ लगेंगे क्योंकि इसमें क्यूब वाली आइडेंटिटी आई जो कुछ लोगों को याद नहीं होता है। यहाँ पे ए प्लस बी का होल क्यूब वाली आइडेंटिटी लगने वाली है। फ्रेंड्स यहाँ पे आपको आइडेंटिटी याद होना जरूरी है, ए प्लस बी क्यूब क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। अगर यहाँ पे ए माइनस बी क्यूब होता तो बी के ऑल पावर के ऊपर आगे माइनस लगा दो, ये ऑल पावर है बी के आगे तो माइनस, बी के ऊपर वन पावर, वन पावर है तो यहाँ पे माइनस, माइनस बी का स्क्वायर प्लस हो जाता है, मतलब ये वाला और ये वाला टर्म क्या हो जाता है माइनस माइनस हो जाता है। अगर आपको ये आइडेंटिटी याद नहीं है तो क्या करें सर हमको, या तो हमको कॉन्फिडेंस नहीं है कि इसमें सर हमको नहीं आता है, तो विदाउट आइडेंटिटी वैसे तो नहीं करना है आपको,
विदाउट आई आपको कुछ आता ही नहीं है, मतलब ये क्वेश्चन आप छोड़ने वाले हो, तब जाके क्या करना है आपको मैं थोड़ा सा अलग तरीका समझाता हूँ। देखो x प्लस टू का क्यूब है, हम समझो यहाँ पे, तो उसको मैं थ्री टाइम्स लिख सकता हूँ, x प्लस टू, ये करना नहीं एग्जाम में पूछ रहा हूँ, बोल रहा हूँ आपको मैं, नहीं है समझ में कुछ भी तो ही ये मेथड करोगे, x प्लस टू हो गया। अब ये तो आपको आता है, इसको बोल जाओ, इसको इसके साथ, या तो x प्लस टू का होल स्क्वायर, ए प्लस बी का होल स्क्वायर आइडेंटिटी वन तो आती है आपको, मतलब इसको सॉल्व करोगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 मिलेगा, सिंपलीफाइड फॉर्म लिख रहा हूं मैं यहाँ पे, और इसको मल्टीप्लाई करोगे किसके साथ, x प्लस टू के साथ, डेट मीन्स ये इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, इसके साथ जाएगा, 4 इसके साथ और इसके साथ, और इसको सिंप्लीफाई करोगे ना तो वही आंसर इसके जैसा ही आएगा, दो तीन स्टेप ज्यादा हो जाएंगे आंसर आएगा, लेकिन आपको वो वाला क्वेश्चन करना नहीं है, वो वाला मेथड नहीं करना है, आइडेंटिटी यूज करके ही करो। टेंथ में अगर टेंथ का लेवल बताना पड़ेगा फैकल्टी को, वहां पे एग्जामिनर को। ओके यहाँ पे क्या करोगे, ए प्लस बी का होल क्यूब क्या करोगे बोलो, ए को रिप्लेस करोगे एक्स और बी को रिप्लेस करोगे टू से, ए क्यूब यानी एक्स क्यूब, बी क्यूब यानी टू का क्यूब एट, थ्री ए स्क्वायर बी, एक स्टेप ज्यादा कर लेते ऐसा हो तो, टू का क्यूब थ्री ए स्क्वायर बी एक्स स्क्वायर इंटू बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर थ्री ए बी स्क्वायर, टू एक्स इंटू एक्स स्क्वायर यानी टू एक्स क्यूब एंड टू एक्स इंटू माइनस वन माइनस टू एक्स, सब टर्म्स को ले लेफ्ट साइड, ये हुआ एक्स क्यूब, टू का क्यूब एट, थ्री टू जै सिक्स एक्स स्क्वायर, थ्री टू जै सिक्स टू जै ट्वेल्व क्योंकि स्क्वायर है, टू का स्क्वायर फोर इंटू ट्वेल्व होगा 12x होगा, 2x क्यूब माइनस 2x। अब लेफ्ट साइड ले आना है आपको, तो यहां पे मैं साइन कर माइनस और माइनस को प्लस कर दूं, है ना, यहां पे लेफ्ट साइड लिया तो माइनस, ये माइनस का प्लस होगा, ये 2x क्यूब कैंसिल नहीं होगा, सॉरी x क्यूब माइनस 2x क्यूब तो माइनस x क्यूब, 6x स्क्वायर पीछे तो कोई है नहीं तो 6x स्क्वायर अकेला बचा, 12x प्लस 12x 2x 14x एंड खाली 8 बचा। तो अब यहां पे देख सकते हो इट इज नॉट ऑफ द फॉर्म ax प्लस px प्लस c इक्वल टू 0, क्यों, ये तो क्यूबिक हो गए, हमको क्वाड्रेटिक चाहिए, डिग्री 2 चाहिए, इसकी डिग्री 2 नहीं है, गिवन इक्वेशन की डिग्री कितनी है 3, हमको कौन सी कितनी डिग्री चाहिए 2 चाहिए, यहां पे लिख सकते हियर डिग्री ऑफ गिवन इक्वेशन इज 3, सो गिवन इक्वेशन is not a quadratic equation। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 7। नेक्स्ट देखते हैं लास्ट क्वेश्चन नंबर 8। चलो क्वेश्चन नंबर 8, ये वाला तरीका कहीं पे साइड में लिख के रखना, कभी कभी आपको काम में आ सकता है। ओके क्वेश्चन नंबर 8, 8 में क्या करोगे, लेफ्ट साइड तो सॉल्व करके ही दिया है, सिंप्लीफाइड दिया है, आरएचएस को सॉल्व करना है, x माइनस टू का क्यूब आया, देखो आइडेंटिटी वापस मैंने बोला था, ये दो क्वेश्चन आपको समझना पड़ेगा। अब इसमें कौन सी आइडेंटिटी लगने वाली है, a माइनस बी का क्यूब, चलो ए क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस थ्री ए स्क्वायर बी प्लस थ्री ए बी स्क्वायर। अब क्या करो इसमें बोलो, a माइनस बी का होल क्यूब है तो एक्स क्यूब लेफ्ट साइड तो कॉपी, एक्स क्यूब माइनस फोर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ए को रिप्लेस करना है x से और b को रिप्लेस करना है 2 से, बोलते जाओ a का क्यूब यानी एक्स क्यूब, b का क्यूब यानी 8, इसमें डायरेक्ट कर देंगे थोड़ा, 3 ए स्क्वायर बी 3 इंटू एक्स स्क्वायर इंटू 2, एक स्टेप ज्यादा कर लेते चलो ऐसा हो तो 3 एक्स स्क्वायर इंटू 2 एंड 3 ए बी स्क्वायर यानी प्लस 3 ए बी स्क्वायर, एक्स क्यूब लेफ्ट साइड आएगा तो कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4 एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, यहाँ पे क्या बचा माइनस एट, थ्री टू जा सिक्स एक्स स्क्वायर एंड थ्री टू जा सिक्स टू जा ट्वेल्व, टू का स्क्वायर फोर इंटू ट्वेल्व, फोर इंटू थ्री ट्वेल्व एक्स, सब टर्म्स को ले आओ लेफ्ट साइड, माइनस फोर एक्स स्क्वायर प्लस सिक्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व एक्स, वन प्लस एट इक्वल टू जीरो, लेफ्ट साइड राइट साइड सब टर्म्स को लेफ्ट साइड लाओगे सबके साइन चेंज करना है, माइनस सिक्स सॉरी माइनस फोर प्लस सिक्स प्लस टू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ट्वेल्व माइनस थर्टीन एक्स
एंड 1+8 होगा 9=0। सो ये स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के साथ कंपेयर करोगे तो ए का वैल्यू मिला 2 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब डिग्री कितना मिला 2। सो गिवन इक्वेशन इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ओके तो फ्रेंड्स यहाँ पे आज एक्सरसाइज फर्स्ट का क्वेश्चन नंबर 1 यहाँ पे कंप्लीट हुआ। होमवर्क में आप एक्सरसाइज 4.1 जो हमने सॉल्व किया अभी उसका क्वेश्चन नंबर 1 जो पूरे बोर्ड में करवाए मतलब क्लास वर्क करना है और इसके साथ एग्जाम्पल 2 आपको होमवर्क में करना है। फ्रेंड्स क्लास वर्क का तो होमवर्क मतलब डिफॉल्ट आपको मान ही लेना है कि इतना वर्क तो करना ही है, अगर अलग से वर्क देते हैं कोई तो आपको वो भी करना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब मिनिमम इतना काम तो करना ही पड़ेगा आपको। क्लास वर्क का क्वेश्चन अगर होमवर्क दे या तो ना दे इतना वर्क आपको डेली बेसिस पे करना पड़ेगा। थैंक यू। We have pledged to create the future of the nation.